नमस्कार, मैं हूं दर्शी के क्या न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ती खबरों की ओर। जहांगीराबाद इलाके में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका की पहचान शबाना के रूप में हुई है और पुलिस ने लाश अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वो मानसिक रोगी थी और इससे पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में एक मानसिक रोगी महिला ने अपने घर में मंगलवार सुबह आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया है कि शबाना खान नाम की महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और इसका इलाज भी चल रहा था। इसी से पहले भी वह आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है। पुलिस ने लाश अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक मृतका के दो बच्चे हैं। परिजनों को फिलहाल बयान नहीं हो पाया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। जी, जहांगीराबाद थाने में एक 36 वर्षीय मृतिका शबाना पति मुकीम का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस मौके पर पहुँच के मर्ग दर्ज किया है। जिसमें अभी बात ये सामने आई है कि महिला पिछले 2 महीनों से काफ़ी परेशान थी, मानसिक रूप से थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब थी, जिसका इलाज यहाँ करा रही थी। और आज सुबह की बात है जिसमें 9 बजे वो घर से बिना बताए कहीं गई और एक जो बाजू में मकान था वहाँ पर अपने दुपट्टे से उसने फांसी लगा ली, जिसकी सूचना मिलने पर हम लोगों ने कार्रवाई करी। किसी तरह का प्रेस उसमें नोट मिला है, सुसाइड नोट? अभी तक वहाँ पर छानबीन जारी है, अभी तक कोई सुसाइड नोट की बरामदगी नहीं हुई है। जाँच में अगर कुछ निकल के आएगा तो उसको प्रकरण में शामिल किया जाएगा। सर, महिला रहने वाली ये उसका मायका ही था जहांगीराबाद में, उसका ससुराल सीहोर में था।